ये अवसर बाबा साहब के जन्मदिन का है और बहुत अच्छा लग रहा है। विभिन्न विचारधारा के लोग, अलग अलग रास्ते से जाने वाले लोग आज बाबा साहब के नाम पर एक मंच पर आसीन है और सभी लोग बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं। यह देखकर दिल को बहुत ठंडक मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और जिस भी पायदान पर आज समाज पहुंच गया है, तो हम लोग जो जय भीम कहने की स्थिति में आए हैं, वो शिक्षा का ही कारण है। शिक्षित होइएगा, अपने अधिकार को लीजिएगा, तभी जाकर आप कोई मुकाम पाइएगा, और नहीं तो बिना शिक्षा का कोई गुजारा नहीं है। एज ए पदाधिकारी जब हम लोग क्षेत्रों में विद्यालय के निरीक्षण के लिए जाते हैं, तो सभी लोगों से यही मिलता है, मास्टर साहब ना बचो, खिचड़ी ना बना छो। लेकिन कोई गार्जियन ये नहीं पूछता है कि मास्टर पढ़ा नहीं रहा है, इसके बारे में कोई नहीं पूछता। ये जागरूकता जरूरी है। बाबा साहब को पूजने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। और यही पढ़ाई है, जब शिक्षित हो जाइएगा तो कहीं भी अन्याय होगा, कहीं भी शोषण होगा, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइएगा। आपको सहन नहीं होगा, चुपचाप रहे तो बहुत बकता लोग हैं, और मेरी आदत भी नहीं है मंचों से किसी को ऐसी करने के लिए, तो क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ गलत सलत बुला गया होगा तो माफ कीजिएगा। और इसी के साथ इस परिहार के महान जनता को मेरा प्रणाम।